हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिवी स्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो यस गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि है एवरीडे काइंड ऑफ। या अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी ओनली 5 मिनट में 5 प्रोडक्ट्स को यूज करके। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। एंड इस लुक को किस तरीके से मैंने अचीव किया है ये देखने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम, एंड एवरीडे के लिए बीबी या सीसी क्रीम बेस्ट है। सो इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी गाइस, एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फिंगर टिप्स की हेल्प से। एंड अगेन मैं बीबी क्रीम को अपने डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई कर लूंगी ताकि वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए। क्रीम को सेट करने के लिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ वो है व्हाइट टोन पाउडर, एंड इसको बिल्कुल लाइट अमाउंट में अप्लाई करना है बिकॉज ये व्हाइट अंडरटोन में है गाइस, तो ये आपका फेस काफी ज्यादा व्हाइट कर सकता है। एंड एक्सेस को डस्ट ऑफ कर देना है। थर्ड प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, एंड इसको लाइटली हैंड से अप्लाई करूंगी। बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक में फिल करना है, एकदम से आपको ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। एंड इसमें एक स्पूली आता है, उसकी हेल्प से इसको अच्छे से कॉम कर दूंगी। फोर्थ प्रोडक्ट है NYB काजल, आप कोई भी काजल यूज कर सकते हो। एंड इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी, एंड एक ब्रश की हेल्प से इसको स्मज कर लूंगी। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। अपर वाटर लाइन पे इस तरीके से आप काजल को अप्लाई कर सकते हो, एंड आप देख सकते हो मेरी आईज में डिफरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्रोडक्ट है मेरा लिपस्टिक, एंड आप कोई भी शेड का लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। आप अगर न्यूड साइड पे जाना चाहते हो तो आप न्यूड लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे लुक कंप्लीट हो गया है, बट इसके बाद मैं थोड़ा सा लिपस्टिक अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो नेचुरल लुकिंग ब्लश की तरह लगे। एंड आप चाहें तो इसको आईलिड पे भी अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, जिससे कि आपके आईलिड पे थोड़ा सा आई शेडो का इफेक्ट दिखेगा। सो गाइज, यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो गया है, एंड आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। गाइज, क्या आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा? और अगर रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से हिट कर दें। सो मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइज़।